वेलकम बैक टू माई चैनल गोलगप्पा घर. आई एम पूजा एंड आई एम इन देहरादून. देहरा विच मीन्स घर और दून विच मीन्स वैली, होम ऑफ वैलीज. देहरादून एक्चुअली एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट हॉटस्पॉट है फॉर पीपल हु वॉन्ट टू गो टू केदारनाथ, ऋषिकेश, इवन हरिद्वार, मसूरी. इट्स लाइक अ हॉट स्पॉट फॉर दैट. उसके ही साथ देहरादून में बहुत डिलिशियस स्ट्रीट फूड भी मिलता है. यहाँ का बन टिक्की बोलो, मोमोज बोलो या आलू पूरी बोलो, यहाँ पे इतना डिलिशियस स्ट्रीट फूड मिलता है. और आज हम खाने वाले हैं बहुत सारा स्ट्रीट फूड. सो कम विथ मी एज वी एक्सप्लोर सम ऑफ द बेस्ट स्ट्रीट फूड ऑफ देहरादून. देहरादून के फूड ट्रेल की शुरुआत हम करने वाले हैं बाय कमिंग एट दिस प्लेस कॉल्ड द बूफे स्नैक्स शॉप. दिस प्लेस इज वेरी पॉपुलर अमंग लोकल्स फॉर स्नैक्स. एक छोटा सा जॉइंट है बट इट्स पैक्ड. यहाँ पर इनका मेन्यू इतना एलैबोरेट तो नहीं है. दे हैव लाइक एक और दो सैंडविच, रोल, ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, दैट्स इट, एंड कोल्ड कॉफ़ी. कोल्ड कॉफ़ी हम बाद में पीने वाले हैं. मैंने यहाँ से दो चीज़ें ले ली है, एक पनीर चीज़ सैंडविच और एक ब्रेड रोल. ये है पनीर चीज़ सैंडविच, चार पीसेस दिए हैं इन्होंने. और यहाँ पर आप देखेंगे केचप और एक इमली की चटनी मिक्स करके दिए इन्होंने और ऊपर से थोड़ा सा जीरा पाउडर का तड़का. एंड हियर वी हैव द ब्रेड रोल, दो पीसेस दिए हैं सेम चटनी. सो सबसे पहले हम ये सैंडविच ट्राई करेंगे. ये है चीज पनीर सैंडविच. अंदर देखिए, जस्ट चीज पनीर एंड सम स्पाइसेस, दैट्स ऑल. इट्स अ कोल्ड सैंडविच, वेरी सिंपल ओल्ड स्कूल बेकरी स्टाइल सैंडविच. पनीर भरपूर डाला हुआ है, चीज़ की टेस्ट आ रही है, हल्के से स्पाइसेस डाले हुए हैं. मेरे को लगा थोड़ा सा पीरी पीरी मसाला, चाट मसाला, ब्लैक पेपर. और ये चटनी काफ़ी कमाल की है, पूरी मीठी ही है, कुछ इतना स्पाइसी नहीं है. ये है गर्मा गर्म ब्रेड रोल. इसके अंदर मुझे आलू की स्टफिंग दिख रही है, पीस दिख रहे हैं, धनिया. ये ना मेरी मम्मी घर पे बहुत बनाती है तो मुझे वो चीज़ की याद आ रही है. बहुत टाइम बाद मैं ये खा रही हूँ. वाओ, दिस इज यम्मी. मुझे सैंडविच से बेटर ये लगा. कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेसिपी नहीं है, बस एक ब्रेड रोल है. इसके अंदर आप स्टफिंग देखेंगे, आलू, पीस, ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं, इसीलिए मेरे को फर्स्ट बाइट में थोड़ा स्पाइसी लगा. ये देखो, ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया. और ये बाहर से काफ़ी क्रिस्पी है, थोड़े ब्रेड क्रम्स यूज़ किए गए हैं इसको फ्राई करने के टाइम. एक क्या इसमें चीज़ है ना, कोरिएंडर सीड्स डाले हुए हैं थोड़े थोड़े. ओके, क्योंकि ग्रीन चिली स्पाइसी है. लव द स्नैक्स हियर. अगर आप देहरादून में हो या आप मसूरी की तरफ जा रहे हो, आई थिंक दिस फॉल्स ऑन द वे. यहाँ पर रुक के आप स्नैक्स, चाय, कॉफ़ी, ये सब आराम से खा सकते हो, बहुत यमी है. शॉप तो मेरी ये बहुत पुरानी है, 1950 से फादर में करते थे, 80s में उनकी डेथ हुई, उसके बाद से मैं 82 से मैं कर रहा हूँ. 82 में मैंने इसके ऑफिस था, मैं दिल्ली में पहले जॉब करता था ब्रिटानिया में, तो वहाँ पे वहाँ का ट्रेंड देखा था मैंने. वो ईटर्स वैन चलती थी उस टाइम पे ना वहाँ पे, वो छोटी सी गाड़ियों में खाने का, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने जब मेरे फादर डेथ में यहाँ आया तो उसको कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लाने की कोशिश करी. तो उस स्नैक्स मैंने वहाँ थोड़े मुझे आते थे तो वो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे. पैटीज वगैरह में हम जनरली क्या है, मिनीज यूज़ नहीं करते, बटर और फ्रेश वेजिटेबल्स, कोल्ड कॉफ़ी फ्रेश सब बनाते फ्रेश. देखोगे आप बिफोर लीविंग फ्रॉम हियर, यहाँ के ओनर ने रेकमेंड किया कि हम यहाँ की कॉफ़ी भी पी के जाएँ. वैसे गर्म कॉफ़ी तो हमें नहीं पीनी थी. मैनी पीपल वर हैविंग हॉट कॉफ़ी बिकॉज ऑफ द वेदर, बट हमने ले ली है कोल्ड कॉफ़ी. या ऊपर इन्होंने एक चॉकलेट का पाउडर डाला है, एकदम ये फ्रॉदी कोल्ड कॉफ़ी. वाओ, वेरी स्वीट, बहुत ज़्यादा वाटरी भी है ये, बट कॉफ़ी का एक अच्छा पंच आ रहा है. आई जस्ट थिंक इट्स वेरी 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 वाटरी फॉर मी. पर इसमें कॉफ़ी और चॉकलेट दोनों का टेस्ट आ रहा है, वेरी रिफ्रेशिंग. जो नेक्स्ट प्लेस हम आए हैं वो भी है लोकल्स फेवरेट. इट्स कॉल्ड सिंग सूप बार. ये एक्चुअली मुझे लगा एक फास्ट फूड या एक स्ट्रीट फूड जॉइंट होगा, क्योंकि इसका नाम था सिंग सूप बार, द किंग ऑफ फास्ट फूड. बट दिस इज लाइक अ फुल फ्लेज्ड एरिया जहाँ पे इतने सारे टेबल्स हैं,
यू कैन एक्चुअली चिल हियर, ऑर्डर लॉट्स ऑफ फूड. एक बार मैं आपको इनका मेन्यू दिखा दूँ. वैसे यहाँ पे चाइनीज़ फूड ज़्यादा मिलता है एंड पीपल इन देहरादून लव चाइनीज़ फूड. यहाँ पर स्टार्टर्स हैं चाइनीज़ और तंदूरी स्टार्टर्स, और यहाँ पर मेन्यू है मोमोज, नूडल्स, रोल्स, थुक्पा का. मोमोज में भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे स्टीम, तंदूरी, पैन फ्राइड, कुरकुरे मोमोज. मुझे ना ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि मैंने ये ट्रिप पे बहुत सारे मोमोज खा लिए हैं. लाइक एवरी प्लेस आई गो टू, मोमोज वहाँ के ऐसे एकदम फेमस ऑप्शन है. एंड इवन इफ आई एम लाइक यार लास्ट के इतने सारे वीडियोस में मोमोज दिखाए हैं, बट स्टिल देहरादून में भी पीपल लव मोमोज, एंड दैट इज़ वाई आई थॉट मेकिंग अ वीडियो या विदाउट मोमोज विल बी इनकम्प्लीट. तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं चिकन मोमोज एंड सम मंचाओ सूप. चिकन मोमोज आप देखेंगे 6 पीसेज हैं, लेकिन एकदम बड़े बड़े पीसेज हैं. एंड हियर वी हैव सम ग्रीन चटनी एंड सम मोमो चटनी विद सम अनियन. और यहाँ पर है मंचाओ सूप. सबसे पहले हम सूप ही एक्चुअली पियेंगे, ये वेज मंचाओ सूप. यहाँ के सूप्स भी काफ़ी पॉपुलर हैं देहरादून में. इसमें डाले हुए हैं नूडल्स, पनीर और मशरूम डाला हुआ है. लेट्स हैव दिस. वाओ, फ्लेवर्स एकदम स्ट्रॉन्ग हैं. छोटे छोटे फ्रेश पनीर के पीसेस डाले हुए हैं, मशरूम, स्प्रिंग अनियन का इतना एक स्ट्रॉन्ग और अच्छा स्वाद आ रहा है. दिस आई वुड से इज वेरी स्ट्रीट स्टाइल एंड इट टेस्ट्स यमी. ये सूप में थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला हुआ है. आई एम नॉट लाइंग व्हेन आई से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मंचाओ सूप्स आई हैव हैड इन अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. It's loaded, warm, it's comforting. One of the reasons मुझे सूप इतना अच्छा लग रहा है is because it's like loaded, like every bite में noodles, paneer, mushroom, spring onion ये सब आ रहा है. Now let's have these momos. काफ़ी बड़े बड़े pieces हैं, एकदम juicy लग रहे हैं. ये देखिए जूस कैसे निकल रहा है, रुकिए. Oh my god, ये देखिए, ये दिखने में काफ़ी juicy लग रहे हैं. अंदर chicken, onion. मोमो से पहले मैं आपको बता दूं कि चटनी लाजवाब है. कमाल का चिली गार्लिक का फ्लेवर है, ग्रीन चिलीज का एक अच्छा स्वाद आ रहा है वो ग्रीन चटनी में. ग्रीन वाली स्पाइसी है, ये वाली फ्लेवरफुल है. एक और मैं बाइट लूंगी मोमोज का. मोमो की जो लेयर है काफ़ी पतली और मोमो काफ़ी जूसी है. इसमें चिकन ये सब की स्टफिंग तो बहुत ज़्यादा है, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे इसमें गार्लिक और अनियन की बहुत ज़्यादा टेस्ट आ रही है, मोर देन चिकन. तो वो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लग रही है, टू बी ऑनेस्ट. अदरवाइज दिस इज अ वेरी वेल मेड मोमो. इट्स वेरी यमी. जस्ट एक चीज़ जो मैंने बोली, अनियन और गार्लिक का बहुत ज़्यादा फ्लेवर है, तो थोड़ा सा कभी कभी मेरे को डिसअपॉइंटिंग लग रहा है. अदर देन दैट दे आर रियली नाइस. बट यहाँ का सूप तो मुझे बहुत अच्छा लगा. 10/10 फॉर द सूप. हेलो, दिस इज चेतनपुरी जो काफ़ी फेमस है देहरादून में. ये लास्ट आई थिंक 40 इयर्स प्लस सर्व कर रहा है ट्रेडिशनल फूड. स्पेशली दूर दूर से लोग इसका जो इसका देसी फ्लेवर है उसको टेस्ट करने के लिए आते हैं. इवन स्टार्स तक आते हैं. शाद अली आए हुए हैं, विवेक ओबरॉय आए हुए हैं. हमारे यहाँ ये होती है छोले तरी, आलू तरी सब्जी. दिस इज कद्दू और वो आलू मेथी होती है. इसके साथ ये बेड़मी कचौड़ी सर्व की जाती है. ये मूली लच्छा है, सौंठिया, मीठी चटनी, फ्राइड चिली, रायता होता है 20 रुपये प्लेट, 20 रुपीज प्लीज गुलाब जामुन. ये जो नेक्स्ट जगह पर हम आए हैं ये सिर्फ देहरादून के नहीं, इनफैक्ट मैनी पीपल ट्रैवलिंग टू मसूरी ये उनकी भी फेवरेट है. हम आ गए हैं चेतन स्वादिष्ट कचौरी के पास. और यहाँ पे आपको मिलती हैं ऐसी प्लेट्स आलू और पूरी की, ऐसी बहुत सारी भाजीज और ऐसे पूरी मिलती है. एंड दिस प्लेस इज सो पॉपुलर इन देहरादून, नॉट जस्ट फॉर लोकल्स बट ऑल्सो फॉर द टूरिस्ट. तो यहाँ के ओनर से आपने सुन लिया कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ. तो इन्होंने कहा था कि एकदम लंगर स्टाइल आपको ऐसा फील आएगा, और वो एक्चुअली आ रहा है. ये देखिए, एक पत्ते की प्लेट पे यहाँ पर है छोले, ये दो फुली हुई पूरी, आप ये देखिए कितनी फुली हुई है, ये एक्चुअली कचौरी है. यहाँ पर है आलू की सब्ज़ी और ये मूली लच्छा. यहाँ पर है रायता, गुलाब जामुन, खीर और ये सूखी लाल मिर्च. तो ये अगर आप देखेंगे दिस इज़ अ होल मील इन इट्सेल्फ, किसी थाली से ये कम नहीं है.
चलिए खाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ये पूरी और कचौरी और खाएंगे छोले के साथ। वैसे आप इनकी पूरी देखेंगे, बिल्कुल भी ऑयल हाथ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, काफ़ी बढ़िया। और अंदर उड़द दाल की थोड़ी स्टफिंग है, उड़द दाल और थोड़े मसाले। गर्मा गर्म छोले, वैसे 100 रुपीज़ में आपको ये सब्ज़ी और पूरी मिल जाती है। ये जो गुलाब जामुन और खीर है ये अलग से पे करना पड़ता है। वाओ, यहाँ की ओनर बहुत एम्फसाइज कर रही थी कि एकदम देसी टेस्ट मिलेगा आपको, वो है। क्यों है? इसमें मसालों का काफ़ी कमाल का स्वाद आ रहा है, नथिंग ओवर पावरिंग। ये परफेक्ट टेक्सचर ऑफ कचौरी, अंदर थोड़ी उड़द दाल उसका भी स्वाद आ रहा है, थोड़े मसाले। ये जो छोले हैं क्या वेल कुक्ड हैं, इसमें मसाले भरपूर डाले गए हैं। ग्रीन चिलीज बहुत हैं इसमें, ब्लैक पेपर का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है इसमें, और जो स्पाइसेस होते हैं जैसे हमारे इलायची, लौंग, ये सब भी डाले गए हैं। वेरी नाइस। अभी खाते हैं ये आलू की भाजी जो ये टमाटर की ग्रेवी में बनाई गई है। एकदम सिंपल लग रही है ये। सिंपल टमाटो ग्रेवी में बनाई गई है, टमाटर की वो हल्की सी खटास है इसमें, छोटे छोटे आलू के पीसेस, नॉट स्पाइसी, नथिंग इज स्पाइसी। छोले फिर भी थोड़े स्पाइसी थे, ये आलू की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। अब फाइनली हम ट्राई कर रहे हैं ये कद्दू की। कद्दू कम्प्लीटली मैश्ड है, एक स्वीटनेस है ये सब्ज़ी में, टमाटर में बनी गई है, रोस्टेड जो जीरा होता है उसका कमाल का स्वाद आ रहा है, टू गुड। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैंने 3 ग्रेवीज ट्राई की हैं और मुझे तीनों ही बहुत अच्छी लगी हैं। वैसे अगर आप ये लेते हो आलू पूरी तो एक्सेप्ट दिस पूरी, बाकी सब अनलिमिटेड है, आप कितना भी ले सकते हो। अभी ट्राई करते हैं आलू बैंगन की ड्राई सब्ज़ी। जो आलू है उसकी स्किन को पील नहीं किया इन्होंने, अगेन नॉट स्पाइसी, जीरे में बनाया गया है, हल्दी इसमें काफ़ी ज़्यादा डाली गई है, हल्दी, धनिया, बैंगन का एक अच्छा स्वाद आ रहा है। ओवरऑल ये एकदम लाइट भी है, मतलब इतना आपको हैवी नहीं लगेगा। मेरी एक पूरी ख़त्म भी हो गई बट मुझे ऐसा कुछ भी हैवी नहीं लगा, बट एवरीथिंग टू गुड, लाइट ऑन स्पाइसेस, स्वादिष्ट है एकदम। माय फेवरेट बूंदी रायता, प्लेन दही उसमें बूंदी डाल दी है, नो स्पाइसेस। आई थिंक मैं इसमें थोड़ा ब्लैक पेपर या चाट मसाला टाइप कुछ डालूंगी कि एकदम फीका लग रहा है मुझे। सोक्ड बूंदी डाली है जो एकदम सी फूल गई है। इफ़ आई हैव टू चूज़, मुझे सब भाजियों में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी, सबसे पहले मुझे कद्दू की अच्छी लगी, आलू की ये ग्रेवी, थर्ड छोले। थोड़ा अभी ये मूली लच्छा भी मैं ट्राई कर लेती हूँ, ये काइंड ऑफ अ सैलड ही है पर मैं पूरी के साथ ट्राई करती हूँ। ऐसा है कि बहुत लोगों को एक थाली के साथ अनियन अच्छा लगता है, वो नहीं है ये, बट स्वाद काफ़ी सिमिलर है। फाइनली सम गुलाब जामुन, गुलाब जामुन को च्यू करने की नीड ही नहीं पड़ी, एकदम मुलायम है ये, मुंह में रखते ही एकदम से पिघल गया और ज़्यादा मीठे नहीं है। यहाँ पे थोड़ी खीर खा लेते हैं अभी हम। इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हुए हैं, हल्की सी रबड़ी भी डाली गई है, तो जैसे वो ओनर बोल रही थी ना कि इसमें आपको रस मलाई टाइप टेस्ट आएगा, वो एक्चुअली आ रहा है। मैं यूजुअली आपको हमेशा बताती हूँ कि मुझे डिज़र्ट्स में से सबसे बेस्ट क्या लगा, मुझे दोनों ही इक्वली अच्छे लगे, बहुत अच्छा था। ये प्लेस के बारे में जो भी हाइप है, कम्प्लीटली वर्थ इट, द फूड हियर इज़ अमेजिंग। आइए यहाँ पे खाइए, जब आप मसूरी जा रहे हो यहाँ पे आप नाश्ता करते हुए जाइए, आई वुड से इतना फूड यहाँ का अच्छा है। आज की जो नेक्स्ट डिश हम खा रहे हैं, ये अगर मैं नहीं खाती तो देहरादून फूड टूर जो मेरा वीडियो है वो कम्प्लीटली इनकम्प्लीट रहता। हम लोग खा रहे हैं बन टिक्की। देहरादून की बन टिक्की इज़ सो पॉपुलर, और इसे ना बर्गर नहीं कह सकते क्योंकि मुझे लग रहा था कि बर्गर जैसा ही होगा, बट इट्स नॉट लाइक बर्गर। इनका बनाने का तरीका
काफ़ी अलग है एक्चुअली बनाने से ज़्यादा द वे दे असेंबल इट इज़ वेरी डिफरेंट. ये देखिए ये स्टॉल का कोई नाम नहीं है, द्वारका स्टोर के ऑपोजिट दिस गाय सेल्स बन टिक्की एकदम फास्ट फास्ट बना के. अभी आप ये देखिए कैसा बना है इन्होंने. ये बन है जिसके अंदर इन्होंने एक टिक्की डाली है और इन्होंने दही डाली जिसमें आलू था और दो चटनी डाली, एक अमचूर की और एक इमली की, एंड देन दे कट इट. और ये एक पत्ते पर सर्व किया है इन्होंने. कांदा भी डालते हैं बट कांदा मैंने मना किया है. ओ गॉड ये खाना थोड़ा सा मैसी होगा. वैसे यहाँ पे इतनी भीड़ है कि अंकल जी बता रहे थे कि सिर्फ 4-5 घंटे यहाँ पे रुकते हैं एंड दे सेल मोर देन 500 बन टिक्कीस इन अ डे. और विंटर्स में तो 800 तक आंकड़ा जाता है. ओ वाओ स्पाइसी फ्लेवरफुल ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं. वाओ मैं ना ऑफ कैमरा अपनी उंगलियां चाट रही हूँ क्योंकि इनकी चटनी बहुत मस्त है. ये देखिए ये जो टिक्की है आलू और चना दाल की बनी हुई है, एकदम गर्मा गर्म शैलो फ्राइड टिक्की. और अंदर इन्होंने जो दो चटनी डाली है अमचूर की और इमली की, थोड़ी थोड़ी मीठी थोड़ी थोड़ी खट्टी, और दही जो है दही में बॉइल्ड आलू डाले हुए हैं. ये बन इतना सॉफ्ट है. क्या कमाल के टेक्सचर्स हैं. दही का मुझे इतना टेस्ट नहीं आ रहा है बट दही में जो आलू डाले हुए हैं उसका थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा है. बन एकदम नरम, टिक्की इतनी क्रिस्पी, शैलो फ्राइड टू परफेक्शन, और जो चटनीज डाली हैं सोने पे सुहागा. इतना गर्मा गर्म ऐसे मौसम में और भी अच्छा लग रहा है. बहुत सिंपल पर वेरी यमी. एज आई सेड द वे दे हैव असेंबल्ड एवरीथिंग दैट इज़ द USP. कुमार स्वीट शॉप. ये बेटा हमारा सन 1950 से हमारे बॉस के फादर थे, उन्होंने शुरू किया था घंटाघर से. घंटाघर पे शुरू में हमने 2-4 आइटम से शुरू किया जैसे प्लेन बर्फी मठिया वगैरह ये सो नमकीन. और हमको करते करते देखो इतने साल हो गए, 72 ईयर्स वी आर गोइंग दिस वे. एक तो हमारी सबसे फेमस है रसमलाई, हमारी केसर रसमलाई है, वाइट रसमलाई है. उस बाद हमारी जो हमारी कुल्फी है और ये हरा लड्डू है, बाल मिठाई, ये हमारी ट्रेडिशनल है उत्तराखंड की. तो अभी हम लोग आ गए हैं कुमार स्वीट शॉप, अ वेरी फेमस स्वीट शॉप इन देहरादून, सर्विंग सम ट्रेडिशनल एंड लोकल स्वीट्स. सो यहाँ पे अंकल जी ने हमको ये बोला है कि हम 3 ये मिठाई ट्राई करें, राइट. सो सबसे पहले हम ट्राई कर रहे हैं बाल मिठाई जो खोया से बनती है. ये देखिए तो ये है बाल मिठाई. लेट्स टेस्ट दिस, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग और ट्राइंग समथिंग लाइक दिस. आप इसको एक ही बाइट में स्वाद का पता चलेगा कैसा है. बहुत अलग है और बहुत स्वाद है बेटा इसमें. और ये तुम्हारा हफ्ता 10 दिन रहेगा विदाउट फ्रिज. ये बाल मिठाई ये ऊपर से क्या डाला हुआ है. ऊपर से बेटा ये खसखस के दाने होते हैं, खसखस के दाने. नीचे अंदर ये बेस चॉकलेट होता, बाहर से ये होता. बहुत अच्छा है. खोया पूरा सा टेस्ट है. खोया मतलब जैसे भुना खोया होता है, इसमें कोई कलर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. मतलब खोया को इतना भुना है कि उसका वैसा कलर हो गया. कलर आ गया, उसको स्वाद भी आ गया. ये जो है इसको कहते हैं मिल्क चॉकलेट. ये इसी के ऊपर ये पॉपी सीड्स डाले हुए हैं. बहुत फज टाइप टेक्सचर है, हल्का सा चुई, वेरी अमी. लौकी का लड्डू जो कोकोनट लौकी और ड्राई फ्रूट से बनता है, ये भी मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ. बट इसका जो टेक्सचर है वो एक्चुअली कोकोनट बर्फी जैसा है थोड़ा. बहुत अलग है. ऑब्वियसली कोकोनट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट है बट बीच बीच में ऐसे थोड़ा श्रेडेड लौकी डाला हुआ है उसमें, फिर ड्राई फ्रूट्स. बहुत बढ़िया है. और यू जस्ट हैव अ रसमलाई आल्सो, मतलब आप खुद खा के देखिए तब बोलिए कि कैसा लगा आपको. चलो अभी हम एक्साइटेड हो गए रसमलाई ट्राई करने के लिए. देख तो काफी कमाल का रहा है ना. अभी है वाओ एकदम रिच टेस्ट, क्रीमी टेस्ट, सॉफ्टनेस, वेरी नाइस.
एकदम गर्मा गर्म गाजर का हलवा जो यहाँ पे दिवाली के बाद मिलता है, लग तो काफी बढ़िया रहा है। ये मेरा ये सीजन का पहला गाजर का हलवा है। इसमें किशमिश, काजू, बादाम, बहुत बढ़िया है। And with this, we have come to the end of today's video. I had so much fun exploring Dehradun street food. Can't wait to come back here again. वैसे next day पे we were just chilling. हम लोग मसूरी चले गए. So we hired a cab and पूरा दिन हम लोग मसूरी में घूमे थे. The first spot that we went to was Kempty Falls. बहुत मज़ा आया वहाँ पर. मौसम बहुत अच्छा था. In fact, वहाँ पर हमने मैगी खाई and overall the day was really good. फॉल्स का फ्लो इतना अच्छा था, पूरा ऐसा पानी मुंह पे आ रहा था, यू नो, इट वाज दैट गुड. सो इट वाज अ वेरी रिलैक्सिंग डे. वी आल्सो वेंट टू मॉल रोड, वी सॉ लाइक अ लॉट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस. बहुत अच्छा खाना खाया हमने एंड दैट्स इट. आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो. इफ यू डिड, प्लीज मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज. टुडेज कॉमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल. थैंक यू सो मच फॉर लीविंग अ कॉमेंट. आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन खाओ पियो खुश रहो. बाय. पर उसके ही साथ मैं केदारनाथ बोल रही हूँ, सॉरी. पर उसके हम कहाँ हैं, देहरादून, सॉरी. वो मिर्ची आ गया. काफ़ी बड़े बड़े पीसेस हैं. मैंने फोटो नहीं निकाला, चलेगा? हाय, एवरीवन से हाय. हाय सब्सक्राइबर्स, दे ऑल द वे फ्रॉम कर्नाटका, दे आर गोइंग टू मसूरी. आज की जो नेक्स्ट डिश गाइस, ये मैं ही खा रही हूँ, तू अपना खुद ले.